कि सर अगर ह्यूमन और डॉग का सेक्स करवाएं तो कैसा बच्चा होगा? सर ने गुस्से में चिल्ला के बोला, तेरे जैसा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तू ही पैदा होगा चूतिए। मुझे ना स्कूल से निकले हुए काफी वक्त हो गया, लेकिन फिर भी मैं हमेशा स्कूल लाइफ को मिस करने लगता हूँ यार, ऐ वही। और सच बताऊँ ना तो स्कूल लाइफ को नहीं, अपने स्कूल के ग्रुप को मिस करता हूँ, क्योंकि एक से एक हरामी लौंडे भरे हुए थे मेरे ग्रुप में। हमारे स्कूल वाले ना हमेशा एक हर साल हिट लिस्ट निकाल देते हरामी बच्चों, जिसमें फर्स्ट से लेकर सिक्स तक हम ही टॉप करते थे, क्योंकि छह दोस्त थे ना हमारे ग्रुप में। और वो लोग ये लिस्ट निकालते थे ताकि हमें शर्म आए और हम सुधरने की कोशिश करें, लेकिन हमें उल्टा प्राउड फील होता था। शर्मिंदगी तब होती थी जब उस लिस्ट में नाम न हो। यार ऐसी भी क्या कमी रह गई हमारे हरामपंथी में, इतनी तो ली है टीचरों की। हाँ यार वो भी कम पड़ गया क्या? क्योंकि हम जाते स्कूल ना कांड करने के मकसद से। टीचर भी हमें स्कूल में गेट आउट नहीं गांड मराओ बोलता था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई थी ना हमसे। और हम भी कि कोई नहीं सर, यू एंजॉय, थैंक्स। लेकिन फिर हम पढ़ने लगे, हमारा पूरा झुंड पढ़ने लगा, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा था यार, रिप्रोडक्शन। देख रहे हो यहाँ भी सबके चेहरे पे कैसे खुशी आ गई कि ये तो सरप्राइज गिफ्ट मिल गया है ना। पर सच में यार ये बहुत सही चीज है यार, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, सुकून, ऐसा लगता है इसी के लिए जी रहे हैं। मेरी पूरी एजुकेशन का रिटर्न गिफ्ट है ये चैप्टर। और मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, पर इस चैप्टर में मुझसे कहीं से कुछ भी पूछ लो सब पता है। आंख बंद करके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ कर देता था। एक बार तो रंगोली कंपटीशन तक जीत लिया था मैंने स्टाइलेंट के बीच। जैसे आपने देखा ना वो नोकिया का जो आता था एक लोगो कनेक्टिंग पीपल वाला, जो दो हाथ आपस में मिलते थे, वैसी मैंने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के एक रंगोली बना दी। हाँ और पहले तो देख के लोग डर गए कि छीछी यार इसने तो पॉन रंगोली बना दी। टीचर आके मुझ पे चिल्ला रही है, राहुल व्हाट इज दिस? मैंने कहा मैम इट्स अ सिंबल ऑफ रियल लव, हाउ मेल एटीट्यूड सेटिस्फाइंग फीमेल ईगो। तालियां बजने लगी। मैंने कहा ठीक है हमें कोई फेम नहीं चाहिए, हाँ हम लोग डाउन टू अर्थ लोग हैं, हाँ हमारे कला का सम्मान कर दो बहुत है, क्योंकि यार इस टैलेंट को ना कोई टैलेंट ही नहीं समझता। और दूसरों की क्या बोलो यार, खुद की फैमिली इस टैलेंट को सपोर्ट नहीं करती। एक बार ऐसी मैं इस टैलेंट का प्रदर्शन अपने मोहल्ले के एक दीवार पे कर रहा था, और अचानक से पापा आ गए। उन्हें मेरा कला बिल्कुल पसंद नहीं है, उनने कलाकार को पीट दिया। फिर पापा आप मुझे ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, अपनी भी कोई इज्जत है, कलाकार हूं मैं, घर ले चलो आराम से पीट लेना। तो यार इतनी तो इज्जत थी तुम्हारे भाई की, वो मान गए, घर लेके आए और आगे का कार्यक्रम शुरू हुआ। पर मुझे यकीन था कि मेरी माँ तो मुझे बचा ही लेगी, क्योंकि चाहे कितने बड़े भी कांड कर दो ना, मेरी माँ यही बोलती थी, मासूम है मेरा बच्चा। हाँ यार वो कहते हैं ना कि जब तक आपके सर पे माँ का छाया, बाप कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका। मेरी माँ मेरा रब, मेरी माँ मेरा सब, वो वाला बिल्कुल बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। मैंने कहा राजा बेटा हूँ मैं, बचा तो लेंगी। पर आप लोग यकीन नहीं करोगे, इस टैलेंट के बारे में जानने के बाद ना मेरे पापा को पीछे करके मेरे मुंह पे बेलन मार के चली गई यार। ये अभी भी निशान है देख लो। और उससे भी ज्यादा यार मेरे दादाजी भाई व्हील चेयर पे थे, बैठना छोड़ो लेटना मुश्किल था, ऐसे पड़े रहते थे। हर दिन हम गंगा जल डालते थे कि निकल लो। इस कांड को जानने के बाद उछल के मेरी छाती पे लात मारा उनने कि लोड़े कहां से सीखा ये सब। मैंने कि स्कूल से। पर जब यार कलाकार के कला की इज्जत नहीं है तो बातों की क्या ही करते हैं। वो मुझे लेके स्कूल गए कंफर्म करवाने, और स्कूल में जाके पापा मैडम से पूछ रहे कि ये फलान दिन बनाना तुमने सिखाया। मैंने यार ये फलान दिन क्या होता है यार, मैम मुझसे पूछ रही है कि क्या कह रहे हैं। मैंने कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मैडम ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल ये सब पढ़ाया जाता है। सदमे में चले गए हैं, कह रहे पढ़ाई तो सच में बहुत जरूरी चीज है यार। हाँ मेरे साथ ही दसवीं करने की बात कर रहे थे, वो तो स्कूल वालों ने मना कर दिया कि भाई साहब आपको कौन पढ़ाएगा। हाँ यार किसी का भी इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है यार। हम खुद जब हमें ये चैप्टर पढ़ाने वाले थे तो हम एक हाथ में पेन और दूसरे में पेनिस पकड़ के बैठ गए कि साथ के साथ प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। पर मैम ने प्रैक्टिकल जैसा कुछ करवाया नहीं। हमने कि ये क्या बात हुई यार, आप ही तो हमेशा बोलती रहती साइंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल कहाँ है? हम धरने पे बैठ गए। हमने कि हमें तो प्रैक्टिकल चाहिए, और अगर मांगे पूरी नहीं हुई ना तो जंतर मंतर तक पहुंच जाएंगे।
जो रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिकल मांग रहे थे यार, और लड़कियां साथ दे रही है कि हाँ हाँ मैं भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हाँ, और हमारे स्कूल में ये चैप्टर हमारे सेक्शन में नहीं, हमारे बगल वाले सेक्शन में पढ़ाने आई सबसे पहले। और हम सब एक्साइटमेंट में बैठे हुए थे कि जैसे पीरियड खत्म होगा भाग के जाएंगे। फिर मैडम जैसे ही निकले हम सब गए पूछने की, बता मजा आया? मजा आया, कहता भाई पूछे मत, मजा आ गया यार, रोंगटे खड़े हो गए रोंगटे। मैंने कहा साले चूतिया जो खड़ा हुआ उसको रोंगटे नहीं कहते, अब तो बड़ा हो जा, कब तक मम्मा बॉय बन के जिएगा। हाँ यार, और उसकी क्या बोलो यार, मैं खुद इस चैप्टर से पहले बड़ा फुद्दू था यार। मैं अपने टट्टों को देख के दिन रात यही सोचता था कि ये दिया क्यों है। हाँ यार, ऐसे ही लटका हुआ है, कोई काम ही नहीं। हाँ, मैंने कि ये कल्ली जोट खेल लेता हूँ, मैंने तो खेले भी है यार। हाँ, यूं पकड़ के बता, कल्ली है कि जोट? कल्ली, दोनों बॉल हाथ में ही देख। हाँ, मैं तो खेल लेता था। वो तो बाद में पता चला कि बेटा ये खेलने की नहीं, संभाल के रखने की चीज है, क्योंकि अगर इसे कुछ हुआ ना तो घर में खेलने वाला नहीं आएगा। लेकिन फिर वो पल आया जिसका हमें सदियों से इंतजार था। हमारे क्लास में भी मैडम चैप्टर पढ़ाने आई, और हमारे क्लास में आई, और वो ना इमरान हाशमी के जमाने में दो फूलों को मिला के सेक्स समझा रही है। हमने कि अगर उसे सेक्स कहते थे, पोर्न डीवी के चूतिया बनाने के लिए बनाया बेंच। तेरा भाई तो इसी का स्पाइड बिजनेस आना यार, पोर्न डीवीडी देता था रेंट पे बच्चों को। हाँ, हमने कि इतने भी बच्चे नहीं जितना आप समझ रही हो, चलो सही से पढ़ाओ डिटेल में। तो डिटेल के नाम पे वो प्लग और सॉकेट का एग्जांपल देके मेल और फीमेल समझा रही है। हमने कि अच्छा, तो शीमेल क्या बला है? कहती वो पावर बैंक है और तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हमने सिलेबस में नहीं है, दुनिया में तो है ना, और कहीं गलती से सामना हो गया तो सॉल्व कैसे करेंगे? कहती उसकी टेंशन मत लो, वो सॉल्व कर देगी, उसके पास भी होता है। मैम मजे ले रही है यार हमसे, और यही उनसे गलती हो गई, क्योंकि उसके बाद ना हम लोंडे बेकाबू हो गए, अजीब अजीब से सवाल पूछ रहे हैं यार। एक बच्चा इतने फुद्दू सवाल पूछता है, कहता है अगर माँ के निप्पल से ही दूध निकलना था तो हमारी छाती पे निप्पल से एक्टिंग की करवाई। हाँ मैडम शर्मा गए यार, और बच्चे आपस में जवाब दे रहे हैं कि ब्रो वो हमें मोटिवेट करने के लिए है, कि जैसा उसका इस दुनिया में कोई मकसद नहीं फिर भी शान से जी रहा है तो हम लोग क्यों नहीं। मैम ने जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दिया कि देखो हमसे तो पढ़ाया नहीं जाएगा, आप देख लो ये बच्चे उस लायक है नहीं। तो प्रिंसिपल ने पर्टिकुलर उस चैप्टर के लिए एक सर को बुला के लेके आए। हमारा सारा मूड खराब हो गया, क्योंकि हमें यार सर से ना पढ़ना नहीं था, हमें तो मैडम के साथ ही मजा आ रहा था, है ना। तो हमने कि कोई नहीं, हम सर से इतने मजे लेंगे कि खुद ही भाग जाएंगे। और सर भी आके ना पेन की कैप ओपन क्लोज करके ना रिप्रोडक्शन सब जा रहे हैं। हमने कि सर हम कैसे पैदा हुआ ये बताओ, ये अपना प्रोसेस मत बताओ, ये क्या पेन को ओपन क्लोज कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब भी हो क्या? हाँ यार, पूरी क्लास हंसने लगी। पर यार मर्द इंसान ना बेशरम होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करने के लिए बोल गए। हम भी सर को देख के ड्रॉ करने लगे, एक बार सर को देखते ड्रॉ करते, फिर देखते फिर ड्रॉ करते। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, हमने मजाक में शुरू किया था, पर जब सर को देख के बनाया तो एग्जैक्ट बन गया यार, क्योंकि वो सर थोड़े बहुत लगते भी ऐसे थे यार। हाँ, यहाँ तक बाल नहीं यार, मुंह कम टोपा ज्यादा। और लेकिन भाई सर को पता लग गया कि हम उनको देख के ये सब कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ गया। और वो गुस्से में थे तभी मेरा दोस्त जो छमिया था उसने एक फुद्दू सा सवाल पूछ दिया कि सर अगर ह्यूमन और डॉग का सेक्स करवाएं तो कैसा बच्चा होगा? सर ने गुस्से में चिल्ला के बोला तेरे जैसा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तू ही पैदा होगा चूतिए। हाँ यार, कितना लोग यार, वो भी तो इंसान है यार। थैंक यू सो मच गाइस।